जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज मां। मैं हूं आप मन के संग मनीरज। और अभी बात करबो बढ़िया खबर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह वेदांता बालको कतिले राजधानी के नवा रायपुर मां बनाए गए बालको केयर्स फील्ड अस्पताल के उद्घाटन करीस। वर्चुअल समारोह में वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक अभिजीत पति और शासन के अधिकारी मन मौजूद रहिन। नवा रायपुर के सेक्टर 36 मां बालको मेडिकल सेंटर कैंसर अस्पताल का नाम स्थापित करेगा है बालको केयर्स कोविड फील्ड अस्पताल। वातानुकूलित कोविड अस्पताल ला बहुत कम समय में बना ले गई, जेकर प्रबंधन और प्रचालन बालको मेडिकल सेंटर के देखरेख में करे जाही। अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 90 बिस्तर है, 10 बिस्तर में वेंटिलेटर के सुविधा है। 2400 घंटा विशेषज्ञ चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी के दल अस्पताल में लगातार सेवा बर उपलब्ध रही। उद्घाटन के मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह वेदांता के प्रयास के जमके प्रशंसा करत वेदांता समूह के आभार जताईस। सेक्टर 36 में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा स्थापित वेदांता केयर फील्ड अस्पताल की आज शुरुआत हो रही है। इसे शुरू होने से कोविड के खिलाफ चल रही हमारी लड़ाई और मजबूती मिलेगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 100 बिस्तरों वाले इस वातानुकूलित अस्पताल में फाउंडेशन की ओर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस अस्पताल में 100 में से 90 बिस्तरों का ऑक्सीजन युक्त होना, 10 बिस्तरों में वेंटिलेटर की सुविधा होना फाउंडेशन की उत्कृष्ट सेवा के संकल्प को दर्शाता है। नए रायपुर में इस अस्पताल के स्थापित होने से उसके विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की सेवा का लाभ न केवल राजधानी के नगरी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी बड़ी राहत मिलेगी। वेदांता समूह के चेयरमैन कहिस के वेदांता समूह अपन देश के नागरिक मन के संग हर समय मजबूती के संग खड़े रहते। कोविड महामारी ला नियंत्रित करे के दिशा मा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित अभियान और संक्रमित नागरिक के मदद बर वेदांता समूह कटिबद्ध है। छत्तीसगढ़ मेरे दिल में बसा हुआ है, ये एक स्पेशल जगह है। छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान का एक गौरव है। जिस हिसाब से ये स्टेट चला रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जो उन्होंने इसको रिवॉल्यूशन लेके आए हैं इस स्टेट में, ये सब लोग, सब पूरे हिंदुस्तान इसको मानता है, विश्वास करता है। ये राज्य एक अजब ही राज्य है जहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत कम है। बालको ह छत्तीसगढ़ शासन और कोरबा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जागरूकता और बचाव अभियान जोर शोर से चलाते। लोगन के स्वास्थ्य के प्रति बालको सदैव सजग रहत आए। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक श्री अभिजीत पति कहिस के बालको केयर्स फील्ड अस्पताल के उद्देश्य जरूरतमंद लोगन ला अत्याधुनिक चिकित्सा मुहैया कराना है। बालको परिवार का ओर से आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनने अपने अमूल्य समय में कुछ समय निकालकर कोविड अस्पताल उद्घाटन किया है। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक अत्याधुनिक अस्पताल अस्तित्व में आए हैं, जिससे निश्चित ही कि प्रदेश भर के जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार न सिर्फ उद्योगों को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, बल्कि बड़े पैमाने पर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IIM, IIIT, लॉ यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, प्रतिकसित मानव संपदन राज्य में भी उपलब्ध है, जो राज्य की उन्नति में अपने योगदान दे रहे हैं। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है वेदांता केयर्स फील्ड अस्पताल परियोजना से पहल करे है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलावा वेदांता केयर्स फील्ड अस्पताल राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु में स्थापित करे जावत है। जी हाँ, 10 फील्ड अस्पताल के जरिए
100 क्रिटिकल केयर बेड के उपलब्धता के संग ही वेदांता समूह युद्ध स्तर मा देश के आधारभूत स्वास्थ्य संरचना के सुधार के दिशा मा योगदान देवत है, ताकि कोविड के दूसरा लहर से नागरिक के रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।